हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू रेसिपी। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रेसिपी, तो चलिए इसे हम बनाते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में आधा कप तेल डाल देंगे, उसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। ये 5 से 6 प्याज थे मीडियम साइज़ के, जिसे बड़े बड़े साइज़ में आप कट करके डाल दीजिएगा। और डालने के बाद इसे इसी तरीके से चलाते हुए हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसे आप थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहिएगा बीच बीच में। अब इसके अंदर हम हरी मिर्च डाल देंगे, 4 से 5 बड़ी साइज़ में कटी हुई हरी मिर्च, और लहसुन की कलियां हैं 5 से 6, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा है इसे भी डाल दीजिएगा। इसे भी डालने के बाद हम थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे और इसे भी भून लेंगे प्याज के साथ। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक हम दूसरी साइड मटर रख देंगे उबलने के लिए। देखिए, ये आधा किलो के करीब मटर है, इसे हम उबलने के लिए रख देंगे। और उसके बाद इसे भी थोड़े थोड़े देर पे चलाते रहेंगे। मटर को आप थोड़ा सा नमक डाल के, पानी में डाल के बॉईल करने के लिए रखिएगा। और इसके बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे। मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके डाले हैं बड़े बड़े हिस्सों में। अब देखिए, ये बिल्कुल भुन गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे, और प्लेट में निकालने के बाद इसे हम ठंडा कर लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे पीस लेंगे हम, पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को फिर से ऑन करेंगे और इसमें हम काजू डाल देंगे, और काजू को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और काजू को भी अब हम प्लेट में निकाल लेंगे, और साथ में इन दोनों को हमें पीस लेना है ठंडा करके। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हम तेल डालेंगे। 2 से 3 चम्मच तेल है, ये सरसों का तेल है। इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे थोड़ा सा, और तेज़पत्ता डाल देंगे जैसे ही ज़ीरा चटक जाए। इसमें 1 चम्मच के करीब हम बेसन डालेंगे, और बेसन को आप अच्छे से भून लीजिएगा, और वरना इसमें गाँठें पड़ जाएंगी। इसे अच्छे से भूनिएगा तभी अच्छा टेस्ट आएगा, वरना कच्चा कच्चा सा टेस्ट आएगा बेसन का। अब इसमें हम हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा मिर्च पाउडर देखिए डाल देंगे। और इसमें अब हम कुछ और मसाले डालेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब इसके अंदर हम बटर पनीर का मसाला डाल रहे हैं, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम। और पानी डालने के बाद इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में से हम, और गैस की फ्लेम को अभी फ़िलहाल मैंने तेज ही रखा है। उसके बाद इसे हम डालेंगे, मसालों को लगातार चलाते रहिएगा वरना मसाले जल जाएंगे हमारे। और उसके बाद जो पेस्ट तैयार किया था प्याज और टमाटर का, उसे इसके अंदर हम डाल देंगे। इसे डालने के बाद इसे भी अच्छे से चलाते रहिएगा बराबर, ताकि ये जले नहीं। इसे बहुत ही अच्छी ग्रेवी तैयार होती है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह लगेगा आपको खाने में। और इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ 1.5 चम्मच के करीब, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा, मतलब आधा कप के करीब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे, ताकि मसालों में अच्छे से उबाल आ जाए, ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाए। अब इसे हम ढक के रख देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे, देखिए इसमें बहुत ही अच्छी उबाल आ गई है। अब इसके अंदर हम अपने मटर डाल देंगे, जिसे हमने पहले बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, इसे छान के इसके अंदर डाल देंगे। और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते रहेंगे, ताकि हमारी ग्रेवी नीचे से चिपके नहीं। देखिए, अब इसके अंदर हम पनीर डाल देंगे, जिसे हमने पहले से कट करके रखा हुआ था छोटे छोटे साइज़ों में। अब इसके अंदर हम अपने पनीर डाल देंगे, ये 1/2 kg के करीब पनीर है, जिसे मैंने छोटे छोटे साइजों में कट करके डाला है। मटर और पनीर 1/2 kg डाला हुआ है इसमें, छोटे छोटे साइजों में कट करके। मटर पनीर में आप पनीर छोटे छोटे ही कट करके डालिएगा, क्योंकि मटर के साइज़ के होते हैं ना, तो देखने में अच्छा लगता है। और इसके बाद जैसे हल्के से उबाल है, हम इसके ऊपर धनिया पत्ता डाल देंगे बारीक कटा हुआ, इसे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट हम और पकाएंगे इसे। ढक देंगे थोड़ी देर के लिए हम इसे, ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। अब देखिए, रेडी हो गया है हमारा मटर पनीर, और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह लगेगा आपको खाने में, जैसे आप होटल और रेस्टोरेंट में खाते हैं, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा। और
आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसे हम सर्व करते हैं गर्मा गर्म। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल बटन को भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। और इसे आप जिसके साथ चाहे उसके साथ खा सकते हैं, रोटी पूरी लच्छा पराठा पुलाव जिसके साथ चाहे उसके साथ खा सकते हैं, सबके साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।